सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स की नज़र से, और उनको किस तरीके से तैयार करें। तो आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी और कुछ न्यूमेरिकल इस टाइप से आ सकते हैं कि किसी बॉडी पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए उस बॉडी से, बताइए उस पे कितना चार्ज बनेगा। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज बनेगा कि नेगेटिव बनेगा और कितना बनेगा। तो वहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव एन ई। इस फॉर्मूले से हम नेट चार्ज किसी भी बॉडी का निकाल सकते हैं, राइट। जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक बलून से 200 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, तो इसका मतलब बलून के ऊपर 200 प्रोटॉन ज्यादा हो गए, क्योंकि वैसे तो न्यूट्रल था। अगर 200 इलेक्ट्रॉन चले गए उसको छोड़कर, तो इसका मतलब उस बलून पे 200 प्रोटॉन हमारे एक्स्ट्रा हो गए। अब उस पर कितना चार्ज है, ये तो समझ में आ गया कि चार्ज पॉजिटिव है, बट कितना है। एन की वैल्यू 200, वन प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसके कुछ न्यूमेरिकल आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी वाले फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल आएंगे। चार्ज की वैल्यू दे देगा वो, टाइम पूछ लेगा और करंट पूछ लेगा। कई बार करंट दे देगा, टाइम दे देगा और चार्ज पूछ लेगा कि कितना चार्ज गया सर्किट से। और 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन जरूर आपको पता होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, राइट। इसके बाद ओम्स लॉ का ग्राफ आ जाता है। ओम्स लॉ क्या है, और ओम्स लॉ में इंट्रोडक्शन होता है हमारा रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस और 1 ओम रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख ही चुके हैं, अंडरलाइन हो रखा है, वो कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे कि वायर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये वाला, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अक्सर आ जाते हैं। और इसी बेस पर आपको कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल भी वो देगा, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस जब आप पढ़ेंगे तो रेजिस्टिविटी आपको आनी चाहिए, रेजिस्टिविटी क्या है, और न्यूमेरिकल कंसेप्ट बेस। कंसेप्ट बेस कैसे न्यूमेरिकल, उसने एक कंडीशन दे दी आपके सामने कि एक वायर है जिसकी लेंथ इतनी है और उसकी लेंथ को खींचकर डबल कर दिया गया, बताइए रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा उसका, पुराने रेजिस्टेंस से उसका क्या रिलेशन है, डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये आपको वहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा, कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, और ये कंसेप्ट तभी लगा पाएंगे जब पिछली वीडियो आप जाके देखेंगे। और रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, इसके न्यूमेरिकल 3 नंबर में अक्सर आ जाता है, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स है जिसमें सर्किट का पूरा एक सर्किट दिया होगा, काफी सारे उसमें रेजिस्टेंस जुड़े होंगे, कुछ सीरीज में होंगे कुछ पैरेलल में होंगे, और वो रेजिस्टेंस भी पूछ सकता है आपसे, उस पूरे सर्किट में कितना करंट चल रहा है ये भी पूछा जा सकता है। किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से नाम दे देगा, 5 ओम वाले में बताओ इस पूरे सर्किट में इस 5 ओम वाले में कितना करंट है ये भी पूछ सकता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर है, पोटेंशियल है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेस के आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए। और इलेक्ट्रिक पावर क्या है न्यूमेरिकल, और 1 वोट पावर किसे बोलेंगे, 1 वाट पावर किसे बोलेंगे हम, और इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारे घर में कंजप्शन हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, उसकी यूनिट क्या है। तो 1 किलो वाट आवर में कितने जूल होते हैं, और किलो वाट आवर किसकी यूनिट है, यस इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है, और 1 किलो वाट आवर में कितने जूल होते हैं ये भी कन्वर्जन कई बार पूछा गया है कि बताइए 1 किलो वाट आवर में कितने जूल होते हैं। और आपसे एक कंडीशन दे देगा वो कि किसी घर में इतना लोड है, पावर दे दिया वाट में, और इतने घंटे वो चलता है, बताइए कितने यूनिट बनेगी, 2 महीने की, 4 महीने की, 1 महीने की। तो इस तरीके से नंबर ऑफ यूनिट देके आपसे फिर बाद में कह देगा, 1 यूनिट सरकार उसका रेट लेती है 5 रुपया प्रति यूनिट बिजली का बिल, तो बिजली का बिल कैलकुलेट कीजिए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन इससे बनते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो डोंट मिस। और इनके पूरा बेस पे रिविजन
क्या एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे दिया जाएगा, तो आप निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री होके सोइए और बोर्ड के एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कीजिए। टेंशन नहीं लेनी, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये छोटा सा तो सिलेबस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता इस चैप्टर से, राइट। न्यूमेरिकल है, साथ के साथ उसके कंसेप्ट है, और यहीं से आपका फाउंडेशन नीट और आईआईटी का भी